हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बोट की वॉच ब्लेज के ऊपर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस स्मार्ट वॉच का कंप्लीट सेटअप ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखेंगे कि इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे पेयर करना है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है इसको पेयर करने के लिए, और उस एप्लीकेशन में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉच फेस कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, जो व्हाट्सएप और वगैरह कॉल अलर्ट्स होते हैं उनको कैसे इनेबल करना है। तो कंप्लीट सेटअप देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो अगर आपके पास ये स्मार्ट वॉच है या फिर आप ये खरीदने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और हम ऐसी स्मार्ट वॉचेस के ऊपर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, तो अगर आपको उनके अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो जैसे ही आप स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करोगे, तो आपके सामने ये क्यूआर कोड आएगा। ये क्यूआर कोड इसके एप्लीकेशन का है, जिसे आप स्कैन करके आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली यू नो बोट हब करके टाइप करो और आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, अब इसे हम ओपन करेंगे। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं मैं थोड़ी। तो यहाँ पे आ गया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। जो भी परमिशन मांगेगा सबको आपको अलाउ करना है। ये जीपीएस सेटिंग मांग रहा है, तो हम ऑन कर देते हैं जीपीएस। इवन ब्लूटूथ भी ऑन करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका नंबर है जिसपे आप इसका ओटीपी मंगाना चाहते हो। अभी ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद ये परमिशन मांगेगा कि मीडिया एक्सेस चाहिए, अलाउ कर दीजिए। फिर यहाँ पे स्टार्ट पेयरिंग पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप स्टार्ट पेयरिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोकेशन परमिशन भी मांग रहा है, अलाउ कर दीजिए। डिवाइस लोकेशन अलाउ कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। सारी चीज़ें आपको अलाउ करनी है। कॉल परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर दीजिए। अलाउ अलाउ अलाउ, सब कुछ अलाउ कर दिया। अब ये सर्च कर रहा है डिवाइस। ये देखिए, यहाँ पे हमारी वॉच आ चुकी है, बोट वॉच ब्लेज, ब्लेज नाम से आ गई। तो इस पर क्लिक करना है आपको पैर पे। जैसे ही आप पैर पे क्लिक करोगे, स्मार्ट वॉच के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया कि एक्सेप्ट बाइंडिंग, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमारी स्मार्ट वॉच पैर हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम भी ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, और ये हमारी वॉच वर्किंग कंडीशन में आ गई है, ठीक है। तो अभी इस एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इसमें हमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सबसे फ्रंट पेज पे जो इसका होम पेज है, वहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे फॉर्मवेयर अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है। तो आप यहाँ से इसका जो सॉफ्टवेयर है, फॉर्मवेयर है, जो भी है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। फिर सेकेंडली यहाँ पे आपको इसका आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेप्स, कितनी कैलोरीज बर्न की आपने, किलोमीटर्स, डिस्टेंस, और कितने मिनट तक आपने एक्सरसाइज की है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको आपके स्मार्ट वॉच की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके स्मार्ट वॉच की सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको वॉच फेस की सेटिंग दिखाई देगी, तो आप यहाँ से आपके स्मार्ट वॉच के ऊपर वॉच फेस सेट कर सकते हो। तो मैं एक वॉच फेस सेट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जाएंगे हम, क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे इनबिल्ट, मतलब जो बोट के वेबसाइट वाले वॉच फेस भी इसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। अगर इनमें से आपको कोई नहीं रखना है, तो आप यहाँ से क्रिएट कस्टम में जा सकते हो और खुद की एक वॉच फेस क्रिएट कर सकते हो अपनी गैलरी से। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे गैलरी से इमेज लेनी है आपको। जो इमेज आपको चाहिए वो ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको आप क्रॉप कर सकते हो। जितना आपको क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको राइट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आपको इसमें टाइम के चेंजेस करने, तो भी कर सकते हो कि टाइम बीच में चाहिए या फिर यू नो लाइक ऐसे चाहिए, जैसे भी आप यू नो, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर दिया। इसके बाद यहाँ से आप डन कर दीजिए। अब जैसे ही डन करोगे, तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आएगा कि स्विचिंग मतलब जा रहा है अभी। आप देख सकते हो बोट की जो ये वॉच है, इसमें भी आपको ट्रांसफर होती हुई दिख जाएगी फाइल, और यहाँ से फाइल जा रही है, और ये हमारी इमेज जो है इस वॉच पे जा चुकी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारे स्मार्ट वॉच पे वॉच फेस सेट हो चुका है, और ये बहुत ही फास्ट स्पीड पे यू नो लाइक सेट हुआ है, बिकॉज मैंने दूसरे स्मार्ट वॉचेस पे जब वॉच फेसेस ट्रांसफर किए हैं तो काफ़ी स्लो ट्रांसफर हुए हैं, बट इस स्मार्ट वॉच के अंदर काफ़ी फास्ट ट्रांसफर हुआ है। शायद यही है उनका जो 25% फास्टर प्रोसेसर की बात करते हैं ये बोट वाले इस स्मार्ट वॉच को लेकर। आई थिंक ये इसमें इसके परफॉर्मेंस में मुझे नज़र आया अभी फिलहाल। तो इस एप्लीकेशन के अब दूसरे फीचर्स भी देख लेते हैं। बैक करते हैं हम कस्टमाइजेशन से। फिर यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे है जनरल सेटिंग, जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉल रिमाइंडर का इनेबल डिसेबल बटन दिख जाएगा। यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, यहाँ से 24 आवर या फिर 12 आवर कर सकते हो आप
अभी मैंने 12 कर दिया। फिर यहाँ से ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो, वेदर कर सकते हो और वेकअप स्किन जैसा, वेकअप स्किन जैसा एक तरीके से वो वाला फीचर होता है जिसमें आप यू नो स्मार्ट वॉच को रिस्ट पे जब पहनते हो और जब आप ऐसे टर्न करते हो तो उसकी स्क्रीन जो होती है लाइट हो जाती है, ठीक है। तो वो वाला फीचर है, आप यहाँ से उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और फिर यहाँ से आप इसके अलार्म भी सेट कर सकते हो, इसमें आपको टोटल 10 अलार्म्स मिलते हैं, 10 अलार्म्स सेट कर सकते हो आप, अप टू 10 अलार्म्स। फिर यहाँ से आप अलर्ट्स, यहाँ से जो सेडेंटरी रिमाइंडर है, जैसे कि आप कहीं एक जगह बैठे हुए हो काफ़ी देर तक, तो ये आपको यू नो रिमाइंड करा देगा। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे इसका ऐप नोटिफिकेशन, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो परमिशन मांगेगा कि यू नो नोटिफिकेशन का परमिशन है, अलाउ कर दीजिए आप इसको। कहाँ है नॉइस बोट, आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। तो ये हमने इनेबल कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे इनेबल हो चुका है नोटिफिकेशन। ऑटो स्टार्ट सेटिंग, ऑटो स्टार्ट भी इसको परमिशन दे दीजिए आप, दे दिया, बैक कीजिए। अब यहाँ पे वापस से क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन में। अब यहाँ से आपको जिस भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन चाहिए आप उसको इनेबल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे व्हाट्सएप या फिर जितने भी यू नो लाइक नोटिफिकेशंस हैं, फेसबुक मैसेंजर, जो भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी ऐप दिखेंगे आप उन सब के नोटिफिकेशंस इनेबल कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एक क्विक रिप्लाई वाला फीचर है, ये एक तरीके से SMS बेस्ड फीचर है। आपके स्मार्ट वॉच से ना एक SMS चला जाएगा जब भी आपके स्मार्ट वॉच पे कोई कॉल आएगा और आप उसको उठा नहीं सकते, तो आप एक क्विक रिप्लाई भेज सकते हो। तो ये वो वाला सेटिंग है, यहाँ से आपको इसको अलाउ कर देना है, तभी आपके स्मार्ट वॉच पे क्विक रिप्लाई वाला फीचर एक्टिवेट होगा। यहाँ से अलाउ कर दीजिए। अब आपको क्लिक किसमें जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऑप्शन दिखेंगे, कौन कौन से प्रीसेट मैसेज, यहाँ पे 5 प्रीसेट मैसेजेस आपको दिख जाते हैं। आप इनको एडिट भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ से देखिए आप इसको एडिट भी कर सकते हो, यू नो लाइक। तो फिलहाल तो हमें यही रखते हैं। उसके बाद ये टेक पिक्चर वाला फीचर है, इसे एक तरीके से रिमोट कैमरा का काम करता है, आप इसको इनेबल कर सकते हो। और जो इस स्मार्ट वॉच के अंदर जो फीचर है कैमरा का, ये वाला, इसको आप क्लिक करके यहाँ से सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। बट ये जो फीचर है अच्छे से काम नहीं करता, मैंने नोटिस किया, ये देखिए अब मैंने ये ऑन कर दिया है बट ये कोई पिक्चर क्लिक नहीं कर रहा। तो ये फीचर इसका काम नहीं कर रहा, जो कि मैंने पता नहीं क्या इशू है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की बट स्टिल ये काम नहीं कर रहा ये फीचर। तो इसकी बात तो बाद में करेंगे। तो वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन पे, यहाँ पे हमें डिस्कनेक्ट वॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो आपका जो वॉच है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से रीसेट कर सकते हो आप वॉच को, इसको आप क्लिक करोगे तो आपका जो स्मार्ट वॉच है रीसेट हो जाएगा। मतलब इसकी एक तरीके से जितने भी इसके अंदर आपने सेटिंग या फिर वॉच फेस या जो भी किया हुआ है सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अबाउट वॉच, वॉच की डिटेल्स आपको दिख जाएगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अनबाइंड का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस स्मार्ट वॉच अनबाइंड कर सकते हो, मतलब कम्प्लीटली अनपैक कर सकते हो। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, बैक आते हैं तो यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे फ्रंट का तो हमने देख लिया था सब कुछ, एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, बस ये कुछ फीचर्स थे इसके अंदर। एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी स्मार्ट वॉच की, कि ये सच में फास्ट है, मतलब एटलीस्ट इसका जो वॉच फेस ट्रांसफर है वो काफ़ी फास्ट लगा मुझे। बाकी जो वर्किंग है, स्मूथनेस है, वो तो नॉर्मल वॉच की तरह ही लगी मुझे, ऐसा सच कोई खास यू नो फास्ट नहीं लगा। बट हाँ, इसकी जो फास्ट स्पीड है वो मुझे इसके एक तो चार्जिंग में दिखी कि ये बहुत फास्ट चार्ज होता है, और सेकेंडली मुझे इसकी वॉच फेस ट्रांसफर में दिखी कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन के फीचर्स थे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा दिया। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया आप लोगों के दिमाग में या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।